मम्मी इसी दीवार के नीचे है, इस दीवार के नीचे देखते हैं। आना तो गुड़िया जैसे दिख रहा है, गुड़िया गुड़िया तुम आप आते हो जान। वाह वाह गजरे वाह वाह। ओहो देवंदा। हेलो द गड़ियों, नमस्कार प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाविका पाठा व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं और स्वस्थ हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और अम्मा यहाँ पे धूप सेक रही है क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में। तो अम्मा सुबह सुबह धूप सेक रही है और मम्मी भी कुछ अपना काम कर रही है। तो अभी हमें आज जाना है मंदिर। मैंने भी अभी हाथ मुँह वगैरह धोया है, थोड़ी देर में नहाऊंगी और उससे पहले मैं भी थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगाने वाली हूँ पपाया जेल, क्योंकि आजकल मतलब मैं बिल्कुल भी अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, चेहरे का खासकर, क्योंकि आजकल काम वाम के दिन होते हैं तो हम अपने चेहरे का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा आज स्किन केयर कर लेती हूँ, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस ये एक पपाया जेल है जिसे मैं आज यूज़ कर रही हूँ और ये है स्टेमियो ब्रांड का पपाया जेल जो कि 100% नेचुरल है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है, इसीलिए मैं आज इस पपाया जेल को यूज़ कर रही हूँ। और इसके पीछे इसको कैसे यूज़ करना है ये भी लिखा गया है कि आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, ये आपके फेस को दिन भर हाइड्रेट रखता है, आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है, आपके चेहरे में झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, ये उसको कम करता है और स्किन को नरिश करता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और बहुत 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, इसमें कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है, कलर नहीं है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी जैसे पपाया का है तो कोई ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए जैसा जेल होता है, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये देखिए देख सकते हैं आप मेरे हैंड पे, ये देखिए बिल्कुल जैसा जेल होता है वैसा ही है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई खुशबू नहीं। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा इसको अपने हैंड पे निकाल लेना है यूं और जेंटली इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पे लगाना है और हल्की हल्की मसाज कर लेनी है और थोड़ी देर बाद फिर पानी से धो लेना है। आप चाहे तो रात में लगा के इसे सुबह पानी से धो सकते हैं। तो अप्लाई कर लिया है मैंने इस जेल को और मुझे अपने मतलब अभी फेस में इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कूलिंग, जैसे कि ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, इतना अच्छा फील हो रहा है इसे यूज़ करने के बाद मुझे। तो अभी थोड़ी देर में मैं ठंडे पानी से मुंह धो लूँगी। तो अगर आप भी ये पपाया जेल को बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पर्पल ऐप से, और आप चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप इसे वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, मंदिर के लिए हो चुके हैं रेडी और ताई जी भी आ चुकी है, अम्मा और ताई जी की बातें चल रही हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे मंदिर के लिए। तो अभी हम चढ़ाई चल रहे हैं, वही मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन फर्स्ट नवरात्रि वाली वीडियो में, और बस यहीं पे है मंदिर, पहुँच ही गए हम। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये है वो मंदिर। ये देखो भैरव भी घूम रहे हैं ये मंदिर में, पहुंच गए। जय हो भगवान। बजाओ बजाओ
अभी हम पहुंच चुके हैं, मंदिर से घर आ चुके हैं, तो अब बनाना है नाश्ता, तो बनाती हूँ नाश्ता, फिर नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। तो दगड़ियों, नाश्ता वास्ता करके उसके बर्तन धो के अब दिन का खाना भी हमने खा लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं और मम्मी खेत में चले गए थे, फिर खेत से आए तो फिर खाना वाना खाया, और अम्मा को देखो कैसे बैठी है डॉन की तरह। ओम, यहाँ का डॉन कौन है? हमारे घर का डॉन कौन? ये अम्मा है, वो ये तू है, ओए और को है आधा, तो गुड़िया जैसे दिख रहा है। गुड़िया गुड़िया तुम आप कहाँ से आए? बुढ़िया से की गुड़िया 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 हो इधर आँख से बटन जाते कि राम गुड़िया से हाँ चाओ हाथ हाँ चाओ पिराओ वही तो दगड़ियों, अभी मम्मी का फोन आया है कि खेत में आ जा करके, और मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी फोन आ जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा 4:30 बजे जाएंगे आजकल, और सोच के दिन है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं जाती हूँ, मम्मी इसी दीवार के नीचे है, इस दीवार के नीचे देखते हैं, यहाँ से जाती हूँ। सांप सांप इतना बड़ा होता है क्या? सांप इंसान जैसा? मेरा छल जो क्या लग रहा है, मैं तो बकरी भी नहीं खाती हूँ, मांस मदिरा कुछ नहीं, सस्ते में पड़ जाएगी मैगी में। मैगी डोसा और इडली और क्या करते हैं, अरे याद ना हो रहा है ना, मोमो चाउमीन क्या करते हैं, तेरे जुबान में एक ही चीज आती है, डोसा इडली और मोमो चाउमीन और बर्गर और क्या क्या खाना है तुझे, इतनी इतनी चीजें दे देगी मेरे को तू, समोसा इतने में सर लगेगा तो मैं इतनी पूछ दूंगी तेरे को, हो जा मधु डेरी डेरी में अपने कान में ला देना। और ओ उधर है छोटी अम्मा, छोटी अम्मा भी ऊपर को देख रही थी अभी, जो डलाल तू है डलाल। अब मैंने मुझे क्या पता यार, तू डर जाएगी करके, हाँ हाँ पता है मुझे। जा रही हूँ छोटी अम्मा के पास, एक खेत को पार करके दूसरे खेत पे जंप करके, अब तीसरी, इतनी बड़ी जंप, अरे बाप रे, इधर तो गजों का भूल हो रहा है, चाहो कस भूल है रहे कुमार ले रानिया, अम्मी कहाँ जा, अम्मी फंस गई हूँ, आय हाय 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 आय हाय हाय, हेलो कदू है रे, पता है इधर झाड़ काटिया तो मिल ले यो काटी ए फांसे जा दियो, ओए ए वो गाजो बाडी है, तो गाजो ला काटिया है, हरियाली मस्त रहे है यार, में कम में आपने कैसे देखा, इधर में क्या नहीं यहां पर होने है, तो अरे आज तक का भिन्न है आए, इसको भी YouTube में ही डालूंगी, पाओ तो मोदी जाबू कौन आ रहे, वाह वाह, मोबाइल में ना देख खेलने पे, हम तो देख लेंगे, यहाँ का भेजो कटहर का छोटी अम्मा बोले कटहर का भेज, बोले कुमार चाहो यो, इधर कुमार है रानी हो, ये कपड़ों में चिपक जाते हैं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है।
झुक जा, चिपक रहे हैं। हाँ अच्छा, बहुत भी अच्छा है। एक एक दिन छोड़ बेर।